वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले नए वीडियो, जिसमें कि हम लोग फायरबेस के ऊपर, आज पूरा फायर स्टोर के ऊपर कैसे डेटा को स्टोर करेंगे उसका वीडियो हम लोग आज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे हैं और मैंने ये चीज़ें शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑथेंटिकेशन देखा था, तो इस वीडियो से हम लोग फायरबेस का स्टोरेज देखेंगे कि हम लोग कैसे फायरबेस में कोई भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और थोड़ा सा अपना कुछ काम करते हैं, यानी फोल्डर कुछ बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, एक पेजेस रहेंगे, एक मैं कंट्रोलर का फोल्डर बनाता हूँ क्योंकि हम लोग इसमें गेटेक्स की यूज़ की करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ होम पेज डॉट डॉट, और मैं सबसे पहले अपना होम पेज बना लेता हूँ। होम पेज बनाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, होम पेज स्कैफोल्ड बॉडी सेंटर, मैं सिर्फ एक बटन देके, अभी एक सेकंड गाइस, हाँ एलिवेटेड बटन, ठीक है, ऑन प्रेस, चलो ये हमारा होम पेज बन गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम पेज, ये हमारा होम पेज इंपोर्ट हो गया। अब हम इसको रन करवाते हैं, और रन कर रहा है, जितना देर में रन करते हैं हम लोग चलते हैं अपना फायरबेस का न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फायरबेस फायर स्टोरेज। इतना लिखने के बाद क्या गलती कर दिया मैंने, डिड नॉट कंटेंट, अच्छा ठीक है, ऐसे लिखना था मुझे। नेक्स्ट करते हैं, इसको बंद कर देना क्योंकि हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बंद करके नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। तो ये हमारा ऐप रन हो चुका है। अभी देखेंगे कि हम लोग के पास एक कॉल का बटन आ गया। तो मैं सबसे पहले डीबग शो बैनर को मैं हटा देता हूँ, उसको हटा दिया, और इसका जो डेमो प्रोजेक्ट नाम है उसको मैं लिख देता हूँ फायरबेस। इतना करने के बाद अब हमको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला अब जो प्लगइन्स है वो मैं अभी गेट का इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग गेटेक्स की मदद से सारा काम करेंगे। प्रोजेक्ट भी बन के तैयार है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसका सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सेटअप करने के लिए फ्लटर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले लॉगिन करना है। अगर आपने पहले फ्लटर का फायरबेस के साथ सेटअप किया है तो सिर्फ आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो हमारी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने शुरू से सेटअप करके बताया है। तो सबसे पहले फ्लटर का जब सेटअप करोगे तो ऐसे आएगा, तो आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे चलाना है फायरबेस लॉगिन। फायरबेस लॉगिन चलाते के साथ आपका जो फायरबेस है जिस अकाउंट से लॉगिन था उसको दिखा देगा। तो ये हमारा फायरबेस का लॉगिन हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नेक्स्ट करना है। अब ये चीज़ें चलानी है, यहाँ से ये कॉपी करना है, इसके ऊपर आओ और यहाँ पे ये CLI एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा और ये हमारा एक्टिवेट हो गया। बस दो कमांड चलानी है, बात ख़त्म हो गया। ये वो वाला कमांड को ख़त्म कर देना, यहाँ से फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर को कॉपी करना है और जहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन है वहाँ पे टर्मिनल में जाओ। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो जब तक ये खुल जाए। हाँ खुल गया। अब इसको यहाँ पे फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर को पेस्ट करो और इंटर दबाओ। ये थोड़ा सा फेच करेगा और बताएगा कि आपका जो फायरबेस के अकाउंट है उसमें कितनी सारी प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सारी प्रोजेक्ट का लिस्ट आ गया। तो हमको सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है फायरबेस फायर स्टोरेज के नाम से मैंने बनाया, तो उस पर ले जाकर एरो के ऊपर नीचे से कर सकते हो, एरो के से ऊपर नीचे कर सकते हो, उसके बाद इंटर दबाना है और यहाँ पे सभी चीज़ को हटा दो, स्पेस दबा के सबको हटा सकते हो। सिर्फ मैं एंड्रॉयड पे रखता हूँ, इंटर दबाता हूँ।
इससे हमारा क्या होगा कि फायरबेस इसमें सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेटअप होने के साथ ही अब हमारा एक काम और रहेगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे आपके साथ एक पैकेज एक फाइल बन के आएगा जो कि ये होगा फायरबेस ऑप्शंस। फायरबेस ऑप्शंस जब बन के आ जाए तो समझ लेना कि सारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये चीज़ें कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद मेन डॉट डॉट में जाओ और यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर आकर पेस्ट कर दो, और यहाँ पे एसिंक लगा दो। एसिंक लगाने के बाद अभी भी आपका ये एरर दिखा रहा होगा, ठीक है? तो अभी इस एरर को हम लोग फिक्स करेंगे। तो आपको चलना हमारी वेबसाइट पे कोड सीखे। यहाँ पे वेबसाइट पे आकर ये जो फायरबेस है जिसमें हम लोग क्रड ऑपरेशन का पोस्ट डाला हूँ, यहाँ पे आकर आपको सिर्फ ये वाला विजिट फ्लटर बाइंडिंग को कॉपी करना है, और यहाँ पे आके उसको सबसे ऊपर में पेस्ट कर देना है। इतना काम हो गया, ठीक है? यानी फायरबेस हम लोग कन्फिगर कर लिए हैं, अब सारा चीज़ हो गया। अब बात रहा कि फायरबेस की जितनी भी प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करना। तो देखो यार, फायरबेस की प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, तो उसके लिए मैंने तीन प्लगइन नाम को लिख कर रखा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्लाउड फायर स्टोरेज, तो यार ये सारी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आ जाओ यहाँ पे कहीं पे आ जाओ, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट और पी दबा, और यहाँ पे डॉट ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करना। अब यहाँ पे लिखना क्लाउड फायरबेस स्टोरेज, जो पहला नाम पे उस पर क्लिक करके एंटर दबा दो। अब ये ऑटोमेटिक अपना लेटेस्ट प्लगइन खोजेगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। आप यहाँ पे देखो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? उसके बाद और हमारे पास जो है वो भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दूसरा है फायरबेस स्टोरेज, तो हम लोग फायरबेस स्टोरेज की प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फायर बेस स्टोरेज, उस पर भी क्लिक करेंगे। अब तीसरा जो नाम है हमारे पास फायरबेस कोर, उसको भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फायरबेस, एक सेकंड, फायरबेस कोर, इतना लिखने के बाद एंटर दबाना है। और ये सारी प्लगइन्स आपको मैं जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा उसको इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है? आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना काम होने के बाद आपको चलना है, जो भी देखो अभी फायरबेस ऑप्शन में पहले एरर आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अब आपको इसमें आना है, जो भी एरर आ रहा है उस पर आपको कंट्रोल और डॉट को प्रेस करना, और जहाँ पे भी इम्पोर्ट करने के लिए बोलेगा वहाँ से आप इसको इम्पोर्ट कर लेना सिंपली। तो आपका जो भी ऑप्शंस था, जो भी एरर था, वो सारा चला गया, ठीक है? लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाद में प्रॉब्लम नहीं आए इसके लिए हम लोग पहले इसको एक बार ऐप को स्टॉप करेंगे और फिर से इसको रन करवाएंगे। तो मैं उसको स्टॉप किया, फिर से इसको रन के लिए डाला हूँ। अब देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं। तो रन होने तक वेट करते हैं और एक बार फायरबेस में आकर इसको रीस्टार्ट रीलोड कर लेते हैं कि क्या यह सही से काम कर रहा है। तो देख सकते हो हमारा ऐप इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पे एक ऐप दिखा रहा है। अब हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई एरर आया क्या। तो अभी ये रन ही हो रहा है, ठीक है? कोई वेट नहीं, यहाँ पे एक एरर आया हमारे पास। ये बोल रहा है कि मिनिमम SDK वर्जन 19 चाहिए इसको, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल से काम क्या करना है, ऐप एंड्रॉयड में आना है, ऐप में आना है, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आना है। उसके बाद नीचे चले जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पे मिनिमम SDK है, इसको हटा देना, इसको 20 कर देना, सेव कर दो और फिर से यहाँ पे रन पे क्लिक करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या अब भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आया उसको तो हम लोग ने सॉल्यूशन कर दिया है, उसके बाद अब देखना पड़ेगा। उतना देर हम लोग वेट करते हैं, ये इसका काम हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास शायद एक और एरर आ रहा है, रिकम्पाइल डिटेल्स अनचेक फॉर डिटेल्स, देखते हैं अभी क्या आता है। जो वैसे तो ये नोट लिखा हुआ, वार्निंग लिखा हुआ है, लेकिन एरर आ गया, ठीक है गाइस? तो देखो यहाँ पे एक और एरर आता है, जो ऐप रिक्वायर्ड मल्टी डेस्क सपोर्ट,
ठीक है, अगर ये भी एरर आपके पास आ रहा है तब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि आपका जो ऐप है वो मल्टी डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टी डिक्स एप्लीकेशन। अब इसके सॉल्यूशन के लिए टर्मिनल में आना और आपको यहाँ पे लिखना फ्लटर रन। सिंपल सा सॉल्यूशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। फ्लटर रन लिखो और ये जब ये रन करेगा तो ये खुद पूछेगा कि क्या आप मल्टी डेस्क को सपोर्ट करने के लिए बनाना चाहते हो। देखो आप यहाँ पे देखो, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द एडिंग मल्टी डेस्क सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड। अब आपको यहाँ पे वाई को प्रेस करना है। अब ये आपके अंदर मल्टी डेस्क सपोर्टिंग का ऑप्शन डाल देगा जिससे कि आपका जो ऐप है वो हर डिवाइस पे चल सकता है फायरबेस के साथ। ठीक है, तो ये करने के बाद अब आपका जो रन है वो कम्प्लीटली सॉरी आपकी जो ऐप है वो कम्प्लीटली रन हो जाएगा। यही सारे जो एरर्स था इसी के लिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि पूरा सेटअप करने के साथ बता रहा हूँ, ताकि जो आप सेटअप करो तो आपको भी ये प्रॉब्लम आए और आप उसको हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो वो ऐप रन हो गया है। अब हमको क्या करना है कि ये तो ऐप डायरेक्टली रन हुआ, लेकिन हमको करना डीबग, ताकि आगे जब भी काम करें तो उसको प्रॉब्लम को देख पाएँ कि कैसे डीबग हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्विट करते हैं, ये ऐप को बंद करते हैं। उसके लिए हमको दबाना पड़ेगा स्मॉल क्यू, शिफ्ट के साथ क्यू दबाते हैं। यह ऐप फिनिश हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर डीबग पर क्लिक करेंगे, तब ये डीबग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी काम करेंगे वो डीबग से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेस करके देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी आउटपुट जा रहा है, कौन कौन सा आउटपुट आ रहा है, तो वो सिर्फ डीबग के साथ ही हो सकता है। रन वाला में करोगे तो नहीं होगा। तो ये हमारा ऐप रन हो गया। ठीक है, तो अब हमको काम क्या है कि अब हम लोग बनाएंगे फायरबेस के लिए, फायरबेस के लिए हम लोग बनाएंगे यूआई जिससे कि हम लोग फायरबेस को कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग होम पेज में आते हैं और यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर को मैं हटाता हूँ और लिखता हूँ कॉलम चिल्ड्रेन। कॉलम चिल्ड्रेन लिखने के बाद मैं क्या बना दूँगा, ऊपर एक नाम रहेगा, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रो चिल्ड्रेन। ये एक थोड़ा सा यूआई बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ काम कैसे करता है। तो अगर आपको यूआई बनाना आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट, एक्स मिनट, इनपुट एक सेकंड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लेना है और इसको सेव करना है, इससे कि हमारे पास एक ऊपर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आएगा। और इससे पहले कि कुछ लें, हमको इसको सेफ एरिया से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऊपर जो है वो कट रहा है। और उसके बाद कॉलम को भी हम लोग सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से कवर कर देते हैं, और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को एक पैडिंग से कवर कर देते हैं, इसका पैडिंग जो है 10 दे देते हैं, जिससे कि ये अब सही से दिख रहा है। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर देते हैं, डेकोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ से फील्ड कलर थोड़ा लेते हैं और कलर्स डॉट डीप पर्पल डॉट शेड में 2 लिखते हैं। इतना करने के बाद फील्ड को ट्रू कर लेते हैं, बस ये हो गया। अब हम लोग हिंट टेक्स्ट डाल देते हैं जिससे कि अच्छा रहेगा, और यहाँ पे इंटर नेम। देखो यार, यूआई अपना ही हिसाब से बना लेना, आप बहुत अच्छा यूआई बना सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो यूआई के ऊपर बेस नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा यूआई पे ध्यान नहीं देंगे। उससे पहले यहाँ पे एक ऐप बार भी बना लेते हैं, ताकि थोड़ा सा तो अच्छा लगना चाहिए। टाइटल टेक्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, इतना लिखने के बाद हमारा यूआई भी ऊपर से आ गया। अब देखो यार, थोड़ा सा अगर अच्छा बनाना तो एक नया है, यूज़ मटेरियल 3 को ट्रू कर दो, तो आपके जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। देखो अभी सभी सारा चीज़ें चला गया, तो उसके लिए हमको ऐप बार में जाकर उसका बैकग्राउंड डालना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर्स डॉट डीप पर्पल डॉट शेड, इसको 400 डालते हैं। तो ये इस तरह से हो गया, इसको सेंटर टाइटल को भी ट्रू कर देंगे, ये हो गया।
अब हम लोग सेम टू सेम इसी को एक नीचे और बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग बोलेंगे कि ये साइज्ड बॉक्स थोड़ा दे देते हैं, हाइट 10 का। ये हो गया हमारा, एक में नेम आएगा, एक में उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल सेव कर पाएंगे। ये हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड। अब हमको बनाना है एक नीचे बटन, तो बटन के लिए मैं लेता हूँ एलिवेटेड बटन, जो हमेशा मैं लेता हूँ। एलिवेटेड बटन के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ सेव। इससे हमारा एक बटन भी नीचे बन के आ गया, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो लिस्ट व्यू दिखाना है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट व्यू लिखूँ तो क्या हमको एरर देता है? लिस्ट टाइल, लिस्ट टाइल के अंदर टाइटल और टाइटल के अंदर टेक्स्ट, इसमें मैं लिखता हूँ किसी का नाम, तो ये हमको एक एरर दिया व्यू पोर्ट करके, ठीक है। तो ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसको पूरी स्पेस चाहिए अपनी के लिए, ठीक है। अपना जो काम करना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए। तो मैं इसको सिंपल सा भी कंटेनर बनाता हूँ, चाइल्ड के अंदर उसको डाल देते हैं। अभी भी एरर नहीं जाएगा क्योंकि इसका हाइट है वो हमको देना पड़ेगा, तो हाइट में 500 देता हूँ। और इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं, रिलोड सॉरी रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद अब हमारा जो काम है वो दिखने लगा है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ होता है सब सब टाइटल। हाँ, सब टाइटल में हमारा जो टेक्स्ट है जो नंबर है वो शो होगा। मान लो कि नंबर हमारा है इतना, तो वो सब टाइटल में शो होगा हमारा। चलो ठीक है। अब एक चीज़ और शो करवानी है जो कि आगे आइकन रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीडिंग ही बोलेंगे शायद। आइकन्स, आइकन्स डॉट फोन। हाँ, तो ये आइकन हमारा भी शो हो गया। इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 40। तो इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा दिखने वाला है, जो कि मैं अगर इसको ऐसे ऐसे कॉपी करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। अभी हमको एक काम और करना है कि एक साथ ही में मैं डिलीट करने वाला भी आइकन डाल देता हूँ, आइकन बटन के नाम से। आइकन्स डॉट डिलीट, तो इस तरह का कुछ बन गया हमारा यूआई। अब हम चाहते हैं कि हमारा यूआई अब जो है वो यहाँ से हम लोग अपना लिख सकें और यहाँ से सेव कर सकें, यहाँ से डिलीट कर सकें, यहाँ पे गेट कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अब फायरबेस की मदद से करने वाले हैं कि फायरबेस में कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, वहाँ से कैसे लाएंगे। तो जितना भी वार्निंग है उसको थोड़ा रिमूव करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे वार्निंग रिमूव कर लेता हूँ पहले। चलो इतना काफ़ी है। अब हम लोग चलते हैं अपने फायरबेस में और यहाँ से फायरबेस जो फायर स्टोर है उसको यहाँ पे डेटाबेस को ऑन करते हैं हम लोग। उसके लिए ऐप को मिनिमाइज़, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कर दो टेक्स्ट, टेस्ट, टेस्ट को नहीं प्रोडक्शन मोड में ही रखो, जो चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन मोड में रख के आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप टेस्ट मोड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रोडक्शन मोड में कर रहा हूँ। और ये हमारा डेटाबेस बन गया। सबसे पहले डेटाबेस में एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कॉन्टैक्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स लिख देते हैं। और यहाँ पे ऑटो आईडी पे क्लिक करना। यहाँ पे सबसे पहले नेम आएगा, नेम हमारा नेम ही रहेगा, तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक किसी का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा उसका नंबर, नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेव। तो ये हमारा कलेक्शन बन जाएगा। कलेक्शन में वन डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के अंदर ये इतना सारा
फील्ड्स है, ठीक है, ये बन गया। रूल्स, रूल्स में जाओ और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अभी। लास्ट में फॉल्स है उसको ट्रू कर दो और पब्लिश कर दो। ये इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आए, कभी कभी हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको चलना है अपना ऐप में। ऐप में आने के बाद अब हमको कुछ काम और करना है। मॉडल कंट्रोलर में आकर सबसे पहले एक मॉडल बना लो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट मॉडल डॉट डॉट। अब देखो मॉडल में मुझे दिखाना कैसे है, तो सबसे पहले नेम डालेंगे, तो नेम यहाँ पे ग्रुप लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको एक नंबर चाहिए, तो नंबर भी हमारा इसी तरह से चल जाएगा। ये हो गया, इसको हम लोग कंट्रोल एक्स से कॉपी कर लेंगे पूरा को। अरे यहाँ पे नंबर लिख देगा, ठीक है। और फिर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मॉडल लिख देते हैं, इंटर नो कर देंगे। तो ये हमारे पास एक मॉडल बन जाएगा। ये मॉडल आप कहीं से भी बना के ला सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ से बना सकते हो, नहीं तो आप ये वाला प्लगइन डाउनलोड कर लो। अगर डार्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो डार्ट टू जेसन करके एक प्लगइन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला जेसन टू डार्ट करके, ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इससे आपका एक मॉडल बन जाएगा। अब आपको एक बनाना कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के नाम से, और यहाँ पर क्लास कॉन्टैक्ट कंट्रोलर एक्सटेंड करेगा गेट टेक्स्ट कंट्रोलर, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है वो समझो। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे ये वाली चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा कोड लिख के रखा है कि कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेना अपना में, ठीक है। और ये वाला चीज़ें हम लोग अभी बनाने वाले हैं। तो अब हम लोग को एक मॉडल क्रिएट करना है। इस तरह से आप मॉडल क्रिएट कर लेना, ठीक है। मॉडल क्रिएट नहीं करने आता तो ये वाली पोस्ट जाके पढ़ लेना, इसमें मैंने बताया है कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो मैंने बताया मॉडल कैसे क्रिएट करता है, जाके देख लेना। उसके बाद हम लोग को आता है कि एक नोट्स, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स कंट्रोलर के हिसाब से नोट कंट्रोलर बना लो। तो हम लोग को पहले टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, फिर एक लिस्ट वाला कंट्रोलर बना लो। ये वाला मैं यहाँ से कॉपी करके ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ। ये हमारा एक रहेगा कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, यानी जितने भी कॉन्टैक्ट हम लोग फेच करेंगे वो इसमें आके रखाएगा, और वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा वो किसके मॉडल के हिसाब से होगा, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट मॉडल है उसके बेस होगा। यानी कि जितने भी लिस्ट होगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो कंट्रोल एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेते हैं। सबसे पहले टाइटल के लिए इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और दूसरा जो होगा वो फ़ोन नंबर के लिए नंबर। अब ये वाली जो कंट्रोलर है इसको हम लोग होम पेज में इंस्टॉल करेंगे, यानी कि इसका उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट कंट्रोलर और उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे पुट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये बन गया। अब जो हमारा नाम वाला टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, उसमें कंट्रोलर में जाकर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट नेम, ठीक है। इससे क्या होगा कि नेम वाला कंट्रोलर इसके अंदर आ जाएगा। अब ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। कंट्रोलर तो ठीक है, नेम नहीं लिखा था मैंने, मैंने लिखा था टाइटल, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद यही चीज़ सेम टू सेम नंबर वाला में हम लोग नंबर लिख देंगे। ये कंट्रोलर हमारा हो गया। अब जब ऑन प्रेस करेगा तब क्या चलना चाहिए वो हम लोग अभी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि जो भी कॉन्टैक्ट है उसको ऐड करने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइड
और उसको बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको यहाँ से कॉपी करना आप, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, फायरबेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। ये एक इंस्टेंस बन गया हमारा फायरबेस फायर स्टोर का। अब इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट, और ऐड कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या करेंगे वो देखो। ऐड कॉन्टैक्ट लिखें, इसको एसिंक बना लेते हैं पहले। एसिंक बन गया। अब यहाँ पे हम लोग वेर वेर लिखेंगे, ठीक है, और वेर लिखने के बाद हम लोग एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं इक्वल टू कॉन्टैक्ट मॉडल। इसमें जो टाइटल है, सॉरी टाइटल नेम जो है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी टाइटल जो है, ठीक है, टाइटल में हम नेम के अंदर हम लोग टाइटल डाल रहे हैं, टाइटल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और जो नंबर होगा उसमें हम लोग ये वाला चीज़ें डाल देंगे, जो भी नंबर डालेंगे, तो नंबर डॉट टेक्स्ट इतना हो गया। इसको बंद कर देंगे वैसे, यानी कि हमारा एक न्यू कॉन्टेक्ट बन गया जो कि इसमें जो भी वैल्यू रहेगा वो इसके अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे अवेट, अवेट लगा के डीबी डॉट कलेक्शन। कलेक्शन क्या था, तो कलेक्शन किसको बोलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारा वो कलेक्शन है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नाम का कलेक्शन है हमारा। डॉट ऐड लिखेंगे और ऐड में हम लोग जो कॉन्टेक्ट बनाया उसको ऐड कर देंगे डॉट टू जेसन करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐड, लेकिन ऐड होने के साथ साथ हमको देखना भी है कि व्हेन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हमको प्रिंट करेगा एक इन्फो। इन्फो में क्या रहेगा कि कॉन्टेक्ट एडेड, ये चीज़ें हो गया हमको ऐड करने के लिए। जब भी हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तब ये चीज़ें हमारा ऐड हो जाएगा। अब ये फंक्शन को हमको कहाँ कॉल करना है वो अब मैं बताता हूँ। तो हमारा जो बटन है ये वाली सेव वाला, उसके इधर आ जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट ऐड कॉन्टेक्ट, बंद। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना ऐप में और देखते हैं कि क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है कि सक्सेसफुली हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ और उसका यहाँ पे नाम लिखते हैं नंबर, ठीक है। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कि एक मैसेज प्रिंट हुआ कॉन्टैक्ट एडेड। अब कॉन्टैक्ट एडेड हो तो गया है, तो एक बार जाके फायरबेस में यहाँ पे चेक करते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं। तो आप देखो कलेक्शन जो है कॉन्टैक्ट का उसमें दो लिस्ट आ गया। पहला लिस्ट था ये जो अभी हम लोग सेव किए वो आ गया, और ये जो शुरू में हम लोग बनाए थे ये वाला शुरू वाला है, यानी कि जितने भी कॉन्टैक्ट अभी ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। अभी अगर दूसरा कॉन्टैक्ट ऐड करें, यहाँ पे मान लो किसी और का रोहित नाम से ऐड करते हैं और उसका जो नंबर है वो इस तरह से है, और सेव पर क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर दूसरा भी लिस्ट यहाँ पर सेव हो रहा है, यानी कि हमारा जो ऐड वाला फंक्शन है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या रहेगा कि अब हम लोग गेट करेंगे कि जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा दो हमको। तो यार गेट करने के लिए सिंपल सा काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे ही आना और यहाँ पे देखो मैंने क्रिएट न्यू पोस्ट कैसे करते हैं उसका भी बता दिया, और लीड कैसे करेंगे वो बताना। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, ये कॉपी कर लो आप, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको काम करते हैं। यहाँ पे आ जाओ और जो ऐड डिटेल्स है उसके नीचे वर्ड गेट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक लिख देना और इसको एसिंक बनाकर इसके नीचे ये वाला पेस्ट कर देना। अब आपको जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो लिस्ट है, यानी कि जो भी आप लिस्ट बनाए थे, ये वाला देखो मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया था एक, देखो ये हमारा एक लिस्ट है जिसमें कि जो भी डेटा सेव होगा, और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट मॉडल का नाम रख देना। ये हो गया। अब देखो काम क्या है हमारा, एक चीज़ सेव, एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज करने तो पहले
सेकंड गाइस, कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी ये, और यहाँ पे रहेगा कॉन्टेक्ट, और यही कॉन्टेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे है कि डीबी डॉट कलेक्शन, यहाँ पे नोट्स की जगह पे हमको कॉन्टेक्ट्स करना पड़ेगा, यानी कि कलेक्शन वाली डेटाबेस से गेट कर लो जितना भी चीज़ है वो गेट कर लो। तो हमने कलेक्शन वाली चीज़ से जितना भी चीज़ था गेट कर ली और उसको इसमें डाल दिया। अब मैंने बोला कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, यानी जो भी चीज़ें लिखी आ रही है उसमें जो भी चीज़ है उसको वन बाई वन कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल के ऐड कर दो कॉन्टेक्ट मॉडल के हिसाब से, तो ये चीज़ें वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम लोग डीबग करके देखते हैं कि क्या हमारा लिस्ट है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉल करवाने के लिए हम लोग एक और बटन बनाते हैं यहाँ पे, जो कि कॉल बटन नाम रहेगा। तो इसको मैं रैप करवाता हूँ एक रो से, और इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और इसको नाम दे देंगे कॉल, और यहाँ पे हम गेट कॉन्टेक्ट नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हो गया, मैं इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। तो अब जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो गेट कॉन्टेक्ट वाला कॉल होगा, तो देख सकते हो वो वाला कॉल हुआ। और अब हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या हमारा कॉन्टेक्ट्स वाला जो लिस्ट है इसमें कोई डेटा आया कि नहीं। तो इसमें अगर आप देखोगे वैल्यू पे जाओगे तो यहाँ पे तीन कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं, देखो यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्ट्स आ गया, दिख रहा है, और यही कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे भी है, ये देखो तीनों। तो हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो आ गया, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गया, लेकिन अब हमको काम क्या है कि हमको ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो करवानी है। तो अब हमारे पास इसमें सारा डिटेल्स है, अब ये वाली वेरिएबल को वहाँ पे शो करवानी है। तो शो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखो, तो ये हमारा रहा लिस्ट टाइल, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे और ये जो है इसको हटा देंगे। अब हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट मैप। मैप लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, इसमें एलिमेंट की जगह ई नहीं रखता हूँ, और इसमें नल जो है उसमें जितना भी कॉपी किए हैं तो जो भी चीज़ें दिखा रहा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये क्या था, ये सिंपल सा वही यूआई है जो हम लोग दिखाने में यूज कर रहे थे। अब जहाँ पे भी ये वाली डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा था, ये लिस्ट टाइल, उसके बगल में आकर एक ब्रैकेट टू लिस्ट लिख देना, जिससे कि ये लिस्ट वाइज दिखाई देगा। अब अगर अपना ऐप खोलोगे तो यहाँ पे देखो तीन लिस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तीनों लिस्ट जो दिखाई दे रहा है ये तो फेच होके आया है इसीलिए तीन लिस्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि तीन डेटा है इसलिए तीन बार दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको सब में अलग अलग चीज़ें दिखाई देना था। तो यहाँ पे हमको दिखाई देना था जहाँ पे ग्रुप लिखा वहाँ पे दिखाई देना था ई डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग लिख देना, तो ये हमारा नाम दिखाई देगा, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि कॉन्स्ट लगा हुआ, तो कॉन्स्ट हटा दिए। तो अब देखो सबका नाम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, ई डॉट नंबर नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे भी कॉन्स्ट लगाए थे तो इसको भी हटा देते हैं, इससे हमारा सारा नंबर भी शो होने लगा। अब हम लोग काम क्या करते हैं कि एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद अब देखेंगे कि हमारे पास सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो हमारे पास क्या हुआ कि ये नंबर एक भी नीचे सेव था जो नहीं आया, ठीक है। अब ये नंबर तब आएगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि जैसे ही आप लोड हो वैसे ही वो नंबर वहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आएंगे जहाँ पे हम लोग कंट्रोलर बनाए हैं, तो ये रहा हमारा गेट वाला फंक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक आता है ऑन इनिट, ऑन इनिट फंक्शन तब कॉल होता है जब ऐप शुरू होता है या फिर ये पेज पे हम लोग जैसे पहुँचते हैं तब ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो इसमें गेट डॉट कॉन गेट कॉन्टेक्ट को इसी में कॉल कर देंगे। अब मैं एक काम करता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ एक कि
गेट कॉन्टैक्ट, ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि ये फंक्शन रन हो गया है। तो अब हम फिर से इसको रीलोड करते हैं। अब जैसे ही अगर प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ये फंक्शन रन हो गया, तो ये थोड़ा सा एरर दे रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम कर रहा है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आप अगर देखो तो ये वाली फंक्शन हमको प्रिंट हो गया। एक बार फिर से रन कराते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था इसीलिए। अब देखो गेट कॉन्टेक्ट आ गया, यानी कि कॉन्टेक्ट तो गेट हो गया सारा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। शो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखो सबसे पहले जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसमें जीरो था तो ये लोड हो गया था उसी टाइम। अब जब इसमें भरा तीन कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो इसको तो रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको, यानी कि स्टेट चेंज करना पड़ेगा। तो जीरो वाला स्टेट पे ये रह गया और स्टेट चेंज नहीं कर पाया। तो स्टेट चेंज करे बार बार, इसके लिए हम लोग जो लिस्ट व्यू है उसको पूरे को यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको OBX से रैप कर देंगे। इससे क्या होगा कि इतना दूर का जो लिस्ट है, इतना दूर का जो एरिया है, वो स्टेट चेंज करेगा। जैसी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जितनी वेरिएबल आएगी, जितनी वैल्यू आएगा, उसके हिसाब से ये अपना लिस्ट को स्टेट को चेंज करते रहेगा। एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं कि अब की सही बार क्या हो रहा है कि नहीं। अब जैसे ही रिलोड करेंगे तो देखो फिर से ये डेटा आ गया, ठीक है, इतना जल्दी आया कि पता नहीं चला। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेव करते हैं दूसरा नंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोहन कुमार, और उसका जो नंबर है वो इस तरह का सेव करते हैं। अभी देखो कि सेव तो किए हैं, हमारा कॉन्टेक्ट एडेड नीचे लिख के आया, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही सेव करें तो यहाँ पे भी आ जाए कि हाँ एक और नंबर सेव हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है वो देखो, ध्यान से देखना। कॉन्टेक्ट एडेड वाली जो है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसी कॉन्टेक्ट ऐड हो जाए, व्हेन कंप्लीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे गेट कॉन्टेक्ट का जो फंक्शन था उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा कट, और इसको यहाँ से इस तरह से इसको ऐसे पास कर देंगे। ये हो गया। अब देखना जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेव पे, वैसे देखो हमारे पास कॉन्टेक्ट फिर से आ गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत और होती है। अब वो क्या है कि अगर हम एक बार फिर से सेव करें, अभी यहाँ पे रोहित रोहन ही सिर्फ लिखेंगे और फिर से सेव करेंगे, अब देखना हमारे पास कितना सारा चीज़ें आ गई, ठीक है। नाम मेरा देखो नीतीश कुमार पर है, ग्रुट यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पे नीतीश आ गया, फिर ग्रुट आ गया, फिर ग्रुट आ गया, यानी कि एक ही नाम बहुत बार आ रहा है। यानी कि ये रिपीट क्यों हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अगर हम फायरबेस में जाके देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समझो इस बात को, जब हम लोग शुरू में लोड किए थे डेटा को, तब यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट में मान लो 3 आया था, ठीक है। फिर जब यहाँ पे सेव किए तो फिर से ये लोड हुआ, तो उसमें जाके 3 और जुड़ गया, और एक आपने डाला था वो 4 और जुड़ गया, यानी कि 4 3 7 हो गया। फिर से लोड किए तो फिर उसमें 5 जुड़ गया, ठीक है। इस तरह से इसमें ऐड होते जा रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब भी लोड करें ये डेटा, तो पीछे वाला जो भी चीज़ें था उसको क्लीन करना पड़ता है, यानी कि पीछे के जितने भी डिटेल्स था उसको क्लीन कर दो, और जितना डेटाबेस पे है उसी को सिर्फ ला के इसमें डालो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसी ये डेटा लोड हो जाती है, गेट डिटेल्स जैसी लोड होना स्टार्ट हो, उससे पहले ही हम जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इससे देखो जैसे हम कॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितना डेटा है उतना ही आएगा। अब अगर न्यू ऐड करें हम फिर से, मान लो हम ऐड करते हैं किसी का नाम यहाँ पे, मान लो मुकेश है, ठीक है, पर यहाँ पे जैसे सेव करूँगा तो देखना सेम
सिर्फ एक डेटा बढ़ेगा यहाँ पे। देखो सिर्फ एक डेटा हमारा बढ़ा मुकेश के नाम से, ठीक है। तो अब ये नहीं हो रहा है कि हमारे पास फालतू डेटे आ रहे हैं, यानी कि जितना भी पहले, अब देखो सेव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये डेटा जाके वहाँ ऐड हो रहा है डेटाबेस में, फिर इसको कॉल कर रहा है, ये जैसे कॉल कर रहा है तो जितने भी कॉन्टैक्ट में थे पहले, कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको पहले क्लीन कर रहा है और फिर से रिफ्रेश करके न्यू डेटा उसमें डाल रहा है, जितना भी कॉन्टैक्ट वहाँ फायरबेस पे सेव है। तो इस तरह से हम लोग अपना ऐड और गेट का जो मेथड है वो हम लोग सीख गए। अब हमारा काम क्या है कि हमको इसको डिलीट करने के लिए बनाना है, तो उसके लिए भी हम लोग अपना काम करते हैं वॉइड डिलीट कॉन्टैक्ट। डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए हमको देखो कुछ चीज़ें चाहिए। डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए सबसे पहले तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है, ये जो डेटाबेस में आईडी जो डाला हुआ है, इसकी आईडी क्या है, आईडी बोले तो हमको ये अगर इन्फॉर्मेशन है तो इसकी जो आईडी ये है रेफरेंस आईडी, तो इसकी डिटेल्स हमको चाहिए होगा, यानी वो वाला आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्ट्रिंग, हमको आईडी चाहिए, ठीक है, किसकी, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट आईडी, अगर मैंने गलत हो तो रहने देना यार। इसको एसिंक बनाते हैं और नीचे आकर अवेट लगाते हैं, अवेट, और लिखूँगा मैं डीबी डॉट कलेक्शन। कलेक्शन कौन सा था, तो हमारा जो कलेक्शन है वो कॉन्टेक्ट नाम के था, इसको लेंगे डॉट। डॉट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डॉक, डॉक लिखना है और उसमें कॉन्टैक्ट आईडी डालना है और डॉट डिलीट लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका नाम है कलेक्शन, इसका नाम है डॉक्यूमेंट, अगर हम यही डॉक्यूमेंट को पूरा इसी को डिलीट कर दें तो अंदर वाली सारी डेटा डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमको कलेक्शन के अंदर फील्ड नहीं डिलीट करना है, हमको कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना था, इसीलिए हम लोग लिखें कि डॉक्यूमेंट की जो भी आईडी था उसको लो और उसको डिलीट कर दो। हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कि जैसी ये चीज़ें डिलीट होना कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करेंगे, यानी कि कॉन्टैक्ट डिलीटेड, और ये प्रिंट करने के बाद हम फिर से अपना जो भी कॉन्टैक्ट है उसको गेट कर लेंगे। लेकिन अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए होम पेज पे चलते हैं, ठीक है, होम पेज पे चलेंगे और यहाँ पे जो आइकन बटन है जो हम लोग डिलीट कर, उसमें जाकर यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट। अब इसमें कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए इसको, कि जो जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका आईडी दे दो हमको। तो जो हमारा डिलीट का जो आईडी होगा वो कैसे निकलेगा, ई डॉट, ठीक है, डॉक, एक सेकंड मैं थोड़ा भूल गया हूँ, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद जहाँ पर डिलीट है यहाँ पे देख सकते हो, सेम टू सेम ऐसे करना है, ठीक है। तो अब डिलीट के लिए आईडी कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, यहाँ पे आपको सिंपल सा ये चीज़ें लिखना है, यानी कि डीबी डॉट कलेक्शन, हाँ, यानी कि ई से काम नहीं चलने वाला, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो, इसको हटाते हैं, डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन क्या है, तो हमारा कलेक्शन कॉन्टैक्ट्स है डॉट, उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद डॉक डॉट आईडी, इतना जैसे लिखोगे तो ये आपको एक आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये आईडी किसका रिटर्न करेगा वो मैं बताता हूँ, इतना लिखने के बाद ये आपको ये चीज़ें रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये चीज़ें रिटर्न करेगा, और जिसका भी जिस पे इस प्रेस करेंगे उसको ये रिटर्न करेगा उसका आईडी, और उसी को डिलीट कर देगा, जैसे कि अभी देखते हैं हम लोग। इतना हो गया, पहले एक बार मीनिंग मिला लेते हैं कि कॉन्टैक्ट्स का मीनिंग सही है कि नहीं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ।
चलो ये सही है। अब एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हो ताकि सही सब कुछ सही से वर्क कर करके। इतना हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो रोहन के है उसको डिलीट करना, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो कि ये चीज़ें अभी डिलीट हुआ कि यहाँ पे गेट कॉन्टेक्ट लिख दिया, लेकिन डिलीट आई थिंक नहीं हुआ। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं डिलीट हो रहा। डॉक डॉट डिलीट, अगर फायरबेस में आकर देखें कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो डिलीट नहीं हो रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं। आई थिंक डिलीट वाला फंक्शन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। एक बार मिला लेते हैं यहाँ से कि सारी चीज़ें मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो ये भी सही है, ठीक है, पूरा चीज़ें सही लिखा मैंने। एक बार मैं प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जो हम लोग आईडी जो ला रहे हैं वो क्या प्रिंट कर रहा है, मतलब क्या दे रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो आई थिंक ये कॉल ही नहीं हो रहा डिलीट कॉन्टेक्ट वाला। एक बार चेक करना पड़ेगा। ओह सही बात है, कॉल नहीं हो रहा है गाइस। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि इसको यहाँ से हटा और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट डिलीट कॉन्टेक्ट, और इसमें ये डालना पड़ेगा। अब कॉल हो जाएगा ये। अब देखते हैं कि कौन सी आईडी हमको ये दे रहा है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये आईडी दिया और कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिलीटेड भी लिखा। अब देखते हैं रोहन के को क्लिक करते हैं। इसको जैसे क्लिक किए तो ये हमारा डिलीट तो नहीं हुआ, लेकिन ये आईडी तो दिया है एक। इस पर क्लिक करते हैं तो क्या फिर से वो वाला आईडी देगा? नहीं, ये बार बार न्यू न्यू आईडी क्यों दे रहा है? एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम है। रिलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे सारी आईडी तो ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। रोहन पे क्लिक करते हैं, इसकी आईडी KYA लास्ट में, फिर से क्लिक करते हैं, इसकी आईडी ES कैसे हो गया? बार बार आईडी चेंज हो रहा है। ES2P और KY, इस कोई आईडी है क्या? इसमें तो कोई वैसा आईडी ही नहीं है यार। तो एक सेकंड, यहाँ पे ठीक है, अभी रहने देते हैं। डिटेल डिलीट वाला मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। डिलीट वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका वीडियो मैं बाद में बनाता हूँ, इसके वीडियो के बाद मैं उसको डालता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में।